हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल टूडे वी आर टॉक टॉक अबाउट मॉक्स नबार्ट एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर एंड वी विल सून हैव से एग्जामिनेशन आर बी एग्जामिनेशन कमिंग अप फॉर दिस इयर वन थिंग दैट मेजोरिटी ऑफ अस मिस आउट ऑन इज एनालिस ऑफ मॉर्क्स हम लोग मॉक्स लिख तो लेते हैं प्रैक्टिस तो कर लेते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू एनालाइज दम प्रॉपरली सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द मॉक्स एज मच एज पॉसिबल सो दैट द नेक्स्ट मॉक वी कैन डू बेटर वॉट वी डू इज हम लोग गधे की तरह बस मॉक्स पे मॉक्स लगाए जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं उससे सीख नहीं रहे हैं जैसे कि एक आई बिलीव आई रेड वन बुक बाय रूमी फोर्टी रूल्स ऑफ लव वॉर समथिंग लाइक दैट एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट रूल वॉज ऑनेस्टी एंड ही कुड नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल फॉर इज एंटायर लाइफ बिकॉज वो ऑनेस्टी ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है अपनी पूरी लाइफ में

हम लोग आधा अधूरा ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं बट इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी ब्रीफली कि आपका एनालिसिस कैसे होगा इन ऑर्डर टू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू गेट थ्रू इज क्लासिफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन सबसे पहले आप क्लासिफाई करेंगे क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन कैसे होगा एंड वंस यू हैव क्लासिफाइड दो इन टू सर्टन कैटेगरीज फिर आफ्टर दैट यू विल जस्ट ट्राई टू रिड्यूस और रिमूव सर्टेन क्लासिफिकेशन एंड यू विल ट्राई टू इंक्रीज सर्टेन क्लासिफिकेशन ये मैं अभी आपको समझा दूंगा इट्स वेरी वेरी इजी तो जो मेन पॉइंट है वो यहां पर क्लासिफिकेशन ही है क्लासिफिकेशन समझने के साथ साथ वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें एक्जैक्टली exactly उन क्वेश्चंस के साथ करना क्या है तो सबसे पहली कैटेगरी जो होगी हमारे क्वेश्चंस की वो होगी आंसर्ड कैटेगरी द है या तो आप आंसर करोगे या आप नहीं करोगे और सेकंड कैटेगरी जो मैंने अभी बताया नॉट आंसर्ड दो ही आपकी कैटेगरी होगी आंसर्ड नॉट आंसर ठीक है ना आंसर्ड के अंदर आप कुछ फर्दर सब कैटेगरीज बनाओगे एंड दिस इज गोई टू डेटमाइंड वॉट डू यू डू विद द क्वेश्चन जो भी आपने आंसर किया है या तो वो करेक्ट होगा अगर वो करेक्ट है देन देर इज नो रीजन ऑफ लुकिंग एट इट अगेन ये आपने अपने आप को शाबाशी दे दी वेरी गुड यू डन इट यू आंसर्ड इट एंड यू आंसर्ड इट करेक्टली अफकोर्स अगर आपने वो फ्लूक मारा है तुक्का है इफ़ यू आंसर्ड इट करेक्टली बट यू डिड नॉट एक्चुअली नो इट देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट उसकी हम कैटेगरी नहीं बना रहे हैं बिकॉज वी आर मेच्योर इनफ टू आता था अब आते हैं इनकरेक्ट पे मैंने आंसर किया बट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन बट वो इनकरेक्ट हुआ इसकी अब कुछ फर्दर सब कैटेगरीज होंगी एंड ऑल इसको हमें ध्यान में रखना है नंबर वन जो मैंने अभी बताया या तो आपका तुक्का से सही होगा या तुक्का से गलत होगा

एंड दैट टू इट बिंग अ फ्लूक मतलब आप आंसर करने से पहले सोच नहीं रहे हो वेदर यू नो एन आंसर और नॉट तो ये आपको मिनिमाइज करना है सेकेंड है आपने आंसर किया गलत हुआ एंड इट टर्न आउट टू बी अली मिस्टेक वो एक मिस्टेक में कन्वर्ट हो गया कि आपको आंसर करना चाहिए था बी बट इफ यू डि नॉट रीड द क्वेश्चन इनकरेक्टली करेक्टली और इसकी वजह से आपने सी आंसर कर दिया एंड दैट हैिटिकल क्वेश्चन कई लोगों से फैक्चुअल क्वेश्चन में भी हो जाता है नाउ दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉडर एंड यू हैव टू ट्राई एंड मिनिमाइज ये भी आपको कम करने की जरूरत है बिकॉज यू अफोर्ड टू आंसर अ नोन क्वेश्चन इनकरेक्टली जस्ट बिकॉज ऑफ अ अले मिस्टेक और तीसरा जो कैटेगरी है वो है मुझे आता ही नहीं था डिड नॉट नो आई आंसर्ड आई आंसर्ड इट इनकरेक्टली पहले तो मैंने दो ब्लंडर किए मैंने आंसर किया आंसर भी इनकरेक्टली किया एंड द थर्ड ब्लंडर इज मुझे आता ही नहीं था फिर भी मैंने आंसर किया यू हैव टू ट्राई एंड रिमूव दम ये आपको रिमूव करनी है दीज आर द मिस्टेक्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन एन एग्जामिनेशन ये गलतियां करोगे एग्जाम में तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता मैं भी सिलेक्शन नहीं करा सकता कोई भी नहीं करा सकता बिकॉज दीज मिस्टेक्स मेक ऑ ब्रेक योर एंटायर पेपर एंड बिलीव मी जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वेरी सिंपल दे अंडरस्टैंड

तो अब आपको पता है कि यार ये मेरे को दस नंबर में ऐसे ही खींच लूंगा आई विल प्रोबेबली भी यू नो ओवर द लाइन वेरी इजिली लेट्स गेटिंग टू एंड यू स्टिल बिलो द लाइन तो आपको पता है दस नंबर आते ही, मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाना है या फेज टू में मैं चला जाऊंगा सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन इम्प्रूविंग योर मार्क्स टू आइडेंटिफाई कि कितने क्वेश्चन यहाँ लाए करते हैं ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है अब आते हैं नॉट आंसर्ड में नॉट में भी आर टू मेंटेगरीज मुझे आता था और मैंने आंसर नहीं किया मुझे नहीं आता था और मैंने आंसर नहीं किया अगर आपको नहीं आता था और नहीं आंसर किया इफ यू डिड नॉट नो द्वेश्चन आंसर एंड यू डिड नॉट आंसर इट इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग लेट मी टेल यू यू हैव टू ट्राई मिनिमाइज दिस ऑल्सो बट हाउ डू यू मिनिमाइज इट यू रीड अपॉन टॉपिक तो ये एनालिसिस से आपको निकला है टॉपिक दिस क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया जो आपने इस मॉक से निकाल लियान आउट दिस होम वर्क फ्रॉम से जो मैंने आंसर भी नहीं किया और मुझे नहीं आते थे और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा टू रीड ऑन ऑल दर्टी क्वेश्चन But let's say I figure out 15 are too difficult, something that is unexpected and that happens, or super silly. But 15 words ones were expected out of me and should have answered them, should have known about it. So why not know about it now? Why not learn something from this mock? So this is what you have to do. This is your homework that you're taking away from this mock. Or the same day hai. This has to be done on the same day itself. So you read upon the topic. And the last is you knew about it. यू टू पिक दीज आउट कि मैंने आंसर नहीं किया बट मुझे आता था सो यू पिक दीज आउट एंड यू ट्राई मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टेस्ट में इनकी संख्या कम करो यू ट्रा एंड रिड्यूस द नंबर कि मुझे आता था आई न्यू दी आंसर बट स्टिल आई डिड नॉट आंसर इट प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी सर्टन प्रॉब्लम बिकॉज आई वॉज अड आई वॉज थिंकिंगे गलत हो गया तो क्या होगा प्रॉबली बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट इट की आंसर ए है या बी है कंफ्यूजन था दे माइट बी अड ऑफ रीजन एंड यू वुन यू रीड अपॉन अ क्वेश्चन अगेन बट यू है नंबर कि मुझे आता है और मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ इफ यू डू दिस एनालिस दिस ऑन पेपर आफ्टर एवरी मॉक ऑटोमैटिकली आपको छ सात मॉर्स के बाद आपके सारे फैक्ट्स आपके सामने होंगे एंड नो यू नो नो सॉफ्टवेयर कैन डू दिस फॉर यू बिकॉज जो आप गलतियाँ कर रहे हो आपको पता है कि वो गलती आप क्यों कर रहे हो ये आपका खुद का सॉफ्टवेयर करेगा यू कै नॉट रिलाई ऑन एनी रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू डू इट फॉर यू आप छः सात मॉक्स का करिए आफ्टर दैट यू विल रियलाइज ऑन योर ऑन योर ओन बायोर सेल्फ कि यार मैं एक्चुअल में इंप्रूव कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये दस से पंद्रह हो गए मतलब डिप्रूवमेंट है ये चार से दो हो गए मतलब इम्प्रूवमेंट है आंसर नॉट आंसर डिड नॉट नो ये कम हो गए मतलब इंप्रूवमेंट है ओवरऑल स्कोर अगर बढ़ रहा है एंड दिस इज रिड्यूसिंग ये ही पूरा क्लासिफिकेशन है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एवरी क्वेश्चन कैटेगरीज और आपको यहीं पर आपके आंसर को डाल के देखना है एंड यू है रिड्यूस द नंबर और इंक्रीज द नंबर ये आप इंक्रीज करोगे ये रिड्यूस करोगे रिड्यूस करोगे रिड्यूस करोगे एंड पिक हैव टू रीड ऑन दीज एंड एंड रिड्यूस दम एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस भी नहीं होंगे तो इट्स फाइन एटलीस्ट यू शुड रीड अपॉन दीज जिससे कि इफ दर इज अ क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑन दिस टॉपिक दैट यू डिन नॉट नो एन डिन नॉट आंसर यू कैन आंसर इट दैन बिकॉज हम लोग मौक लेते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पूछते हैं सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिन रीड अपॉन एवरी क्वेश्चन टॉपिक दैट वीअर आस्किंग यू okay this was all for this session this small session where i wanted to talk about analysis of mocks this may regularly bhi YouTube pe, but i thought just because the examination is around the corner it becomes all the more important that you understand the analysis kaise karna hai, and then you actually go forward and do it okay if you have any questions you can talk to me on my uh, uh, by commenting on uh, this video मॉक सीरीज जो है नबार्ड की वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इट इज देयर ऑन द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अनुदल डॉट इन वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट देख सकते हो ओके मॉक टेस्ट फॉर नबार्ड फेस वन रिगार्डिंग मॉक्स और एनीथिंग एल्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट वेबसाइट पे देर इज अट्स एप बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड चैट विद मी डायरेक्टली देर हमारे जो काउंसलर्स हैं वो वहां पे बैठे रहते हैं नाइन टू सिक्स पी एम एंड लास्ट में यू कैन ई मेल मी एट इन्फो एट द रेट अनुजिंदल डॉट इन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज देयर एज वेल ओके दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन आई होप यू लर्न समथिंग न्यू आई होप यू लाइक डिट इफ यू डिड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल स्पेशली इफ यूर वन ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ आर बी एस यूर नबार्ड एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर बाय बाय जय हिंद